ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली डॉट ERP9 की हमारी क्लास चल रही है और TELI.ERP9 में पेरोल का टॉपिक चल रहा है। पेरोल के लिए हम लोगों को एक टॉपिक क्रिएट करना है, वो होता है सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स को डिफाइन करना है और इस तरीके से कोई भी एम्प्लॉय जो आपका है, उस एम्प्लॉय उस कर्मचारी की जो डिटेल्स होती है, वो आपने जितने भी पेहेड यहाँ पे क्रिएट करे हैं वो सभी यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। मनोज चौधरी जैसे यहाँ पे आ रहा, मनोज चौधरी है यहाँ पे, मैंने एक एम्प्लॉय लिया है और उसकी जो भी सैलरी डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से जितने भी पेहेड्स होते हैं उनको यहाँ पे सेट कर दिया गया है। और ये सभी चीजें यहाँ पे किस तरीके से आएंगी, ये सभी जैसा दिख रहा है वैसा सेम टू सेम अगर आप बनाना चाहते हो और सीखना चाहते हो और आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर पे TELI.ERP9 का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो जैसे आपका डेस्कटॉप है डेस्कटॉप पे ये TELI.ERP9 का सॉफ्टवेयर, इसमें डबल क्लिक करेंगे चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक स्क्रीन आ जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नया है तो आपको YouTube चैनल में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखना है और उसके प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी TELI.ERP9। TELI.ERP9 की प्लेलिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 क्लासें देख लें। उससे क्या होगा कि आप कंपनी बनाना सीख जाओगे, सेट सेलेक्ट करना सीख जाओगे। जैसे आप कंपनी बना लेते हो और सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। इसके बाद में यदि आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो यदि यहाँ पे नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको रिक्वेस्ट है कि जो आज का टॉपिक है, आज की क्लास है, इसको आप फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको पेरोल इन्फो की क्लास 129 नंबर, वो भी आपको TELI.ERP9 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और 129 के बाद में जो भी पेरोल की क्लासेज हैं वो कंटिन्यू आपको रखनी होंगी। कंटिन्यू 129 से आज तक की सभी क्लासेज, आपसे पिछली जो क्लासे हैं वो सभी कंटिन्यू देखनी है। वो देखने के बाद आपको क्रिएट करनी है अपने टेली के अंदर, और टेली में जब वो क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद ही आज का टॉपिक आप कर पाएंगे, क्योंकि आज सभी पेहेड्स यूज होने वाले हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मान लेते हैं आपने सभी बना रखे हैं, मैंने ये सभी क्रिएट किए हुए हैं और सभी क्लासे की हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पेरोल इन्फो में जाऊंगा। जैसे मैं पेरोल इन्फो पे जाता हूं तो यहाँ पे हमें एक चीज मिलेगी, सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स पे हम लोगों को जाना होगा आज की क्लास में, और सैलरी डिटेल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ से डिफाइन लेना है। क्या लेना है? डिफाइन, आपको सैलरी डिफाइन करनी है एम्प्लॉय की। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय होंगे वहाँ सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर ग्रुप बना रखे हैं तो ग्रुप नेम आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बनाया है, मनोज चौधरी। आप यहाँ पे जिस तरीके से मनोज चौधरी के एम्प्लॉय को क्रिएट किया, वैसे ही आप जितने भी एम्प्लॉय हो सभी को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, उसकी डिटेल्स डाल लेंगे, वो यहाँ पे सभी नाम की लिस्ट आ जाएगी। मैंने यहाँ मनोज चौधरी बनाया इसलिए मनोज चौधरी को यहाँ से ले रहा हूँ मैं। मनोज चौधरी मैंने यहाँ से लिया, मनोज चौधरी को जैसे ही मैंने यहाँ लिया, नेम में आपका मनोज चौधरी नेम आ गया है और GS001 यहाँ पे एक कोड आ गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है इफेक्टिव फ्रॉम, कब से आप सैलरी को इफेक्टिव करना चाहते हो। मनोज चौधरी ने 1/7 को ज्वाइन किया है, इसलिए यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे चालू होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ पेहेड्स आ रहा है, यहाँ पे सभी पेहेड्स तभी यहाँ पे दिखाई देंगे जब आपने क्रिएट कर रखे होंगे। ये मैंने सभी पेहेड क्रिएट करना आपको सिखाया था पेहेड्स में, और पेहेड्स की सभी क्लासे करोगे और सभी पेहेड क्रिएट करोगे तभी यहाँ पे लिस्ट में आएगा, वरना यहाँ पे ये नाम नहीं आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोगों को, सबसे पहले हम जो एम्प्लॉय होती है उसकी पे स्लिप, पे जो बेसिक पे होती है वो लेना है। तो यहाँ पे बेसिक पे क्लिक करना है, एंटर कर देना है। पूछा गया है कि जो मनोज चौधरी है उसकी बेसिक सैलरी क्या है। मान लेते हैं उसकी बेसिक सैलरी है 8000 पर मंथ। मैंने यहाँ पे 8000 डाल दिया है। जैसे मैंने डाला अपने आप ये डिटेल्स ऑटोमेटिक आएंगी, क्योंकि मैं पेहेड क्रिएट कर चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक लेना है उसको HRA क्या मिलेगा, HRA यहाँ पे चूज करना है, एंटर करना है, और उसके बाद में अपने आप तीसरे नंबर पे आ जाएगा और HRA की डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगी। HRA के बाद में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं कैंटीन कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस ले लेते हैं। कन्वेंस अलाउंस जो होगा वो मनोज चौधरी के लिए कितना है, मनोज चौधरी के लिए मान लेते हैं वो 400 रुपये पर मंथ है। यहाँ पे मैं एंटर किया, 400 रुपये पर मंथ लिया और ऑटोमेटिक यहाँ से आ गया है, फ्लैट है ये, कंप्लीट है। जो भी हम पेहेड बना का है वो सब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। ओवर टाइम लेना है नेक्स्ट, आपको ओवर टाइम पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। ओवर टाइम आप क्या रखना चाहते हो, मान लेते हैं इसका ओवर टाइम है 150 रुपये पर मंथ। यहाँ पे 150 रुपये HRA सारा, इसका मतलब एक HRA ये 150 रुपये पर मंथ अगर वो ओवर टाइम लगाते हैं तो। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका कैंटीन डिटेक्शन। कैंटीन डिटेक्शन यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कैंटीन डिटेक्शन हमने जो भी लिया है कैंटीन डिटेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। मान लेते हैं कैंटीन के 700 रुपये कटते हैं पर मंथ फ्लैट, तो यहाँ पे मैंने 700 रुपये ले लिया है। देन इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या एक नेक्स्ट ले लिया है बोनस, बोनस एम्प्लॉय का जो भी बनेगा, इसलिए यहाँ पे एज ए यूजर डिफाइन आ रहा है, ये हम लोगों को यहाँ लेना है।
नेक्स्ट आपको आर प्रेस करना है, रिम्बर्समेंट ले लेना है लिस्ट में से, ये रिम्बर्समेंट आ रहा है। और इसके बाद में ये होने के बाद में आपको प्रोफेशनल टैक्स लेना है, पी प्रेस करके प्रोफेशनल टैक्स ले लेंगे। इसके बाद में आएगा इनकम टैक्स, आई प्रेस करेंगे इनकम टैक्स आ जाएगा, उसको ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको चूज करना है ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी पे क्लिक करके इसे ले लेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉई ईपीएफ, वैसे अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हमने एम्प्लॉई क्रिएट करे हैं सेम टू सेम वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको ले लेंगे। और आपको अगर नहीं याद है तो इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वो आप लेते चले। सबसे पहले हमने बनाया था एम्प्लॉय का ईपीएफ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ईपीएफ डिडक्शन 12% आ रहा है, इसको ले लेना है। देन यहाँ पे आपको इसके बाद में ये लेने के बाद में फिर आपको एम्प्लॉय का ईएसआई ले लेना है, ठीक है। इसके बाद में है एम्प्लॉय का एनपीएस ले लेना है 10% वाला। इसके बाद में एम्प्लॉय का आपको ले लेना है, एम्प्लॉय तो खत्म हो गया, अब आता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का ईपीएस है जो वही स्टेप बाय जैसे बने हैं यहाँ पे, अब ये कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं और उसी तरीके से इनको चूज कर लेना है। इसके बाद में एम्प्लॉयर का एनपीएस ले लेना है और एनपीएस के बाद में एम्प्लॉय का ईपीएफ ले लेना है और लास्ट सबसे लास्ट में आपको एडवांस सैलरी डिटेक्शन लेना है। अब यहाँ पे आप आराम से इसको देख लो, वीडियो को स्टॉप कर लो, इस तरीके से जो भी मैंने यहाँ पे इसका क्रम रखा है वही आपको क्रम इस तरीके से यहाँ रखना है। और यहाँ पे जो भी उसके रेट होंगे यहाँ पे आप ये बदल भी सकते हो, ये रेट मैंने एक एग्जांपल के लिए डाली है और आप यहाँ पे जो बदलना चाहे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बदल भी सकते हो, लेकिन जो बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बदल पाएंगे क्योंकि वो पेड क्रिएट करते समय किया था। ये आज की जो फाइनेंशियल एरर है उसके अनुसार अगर आप बदल चुके हैं तो इनको बदल भी सकते हो आप। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सैलरी क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट होने के बाद में लास्ट में आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट के लिए, यस और यस कर देंगे। जैसे ये यस करेंगे तो आपकी सैलरी क्रिएट हो जाएगी, वापस से यहाँ पे नेम में आ जाएगा, एस्केप की से बैक कर लेना, या फिर आपका यहाँ पे कोई और नेम है तो उस नेम पे क्लिक करें और उसकी सैलरी को भी इसी तरीके से डिफाइन करें। नेक्स्ट जितने भी एम्प्लॉय सभी की सैलरी को इस तरीके से डिफाइन कर देना है। ये होने के बाद आप एस्केप की से बैक आ जाना, फिर यहाँ पे डिस्प्ले में जाना, जितने भी एम्प्लॉय हैं यहाँ पे उनके सबका नाम आ जाएगा। मनोज चौधरी पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो उसकी मनोज चौधरी की जो भी डिटेल्स मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाई थी या अभी अभी मैंने आपको क्रिएट करके बताया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देंगी। इनमें कोई भी चीज़ें आपको चल लग रहा है कि गलत है, बदलाव करना है, जैसे मान लेते हैं कैंटीन का जो है वो 500 नहीं 600 है, ये बदल सकते हो आप। यहाँ से बैक कर लो एस्केप की से, और बदलने के लिए यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नहीं दिया गया है, सो आप डिफाइन सैलरी में ही जाके उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से 500 की यहाँ पे 700 नहीं 600 का ये है और ये 150 नहीं 120 है, और यहाँ पे जो कैंटीन डिटेक्शन है वो 500 रुपये है पर मंथ का है। इस तरीके से जो भी डिटेल्स आप बदलना चाहें बदल सकते हो, और बदलते हुए इनको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, और एंटर करते हुए इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी सैलरी इस तरीके से बदली हुई दिखाई देगी। अगर यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाके भी एस्केप की करके और यहाँ पे देखते हो तब भी आपको यहाँ पे बदली हुई शो होगी। इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय सैलरी है उसे डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन करें उसे डिफाइन करने के बाद उसे देख भी सकते हो और उसमें बदलाव करना चाहें तो वापस से बदलाव कर सकते हो। अगर इसे डिलीट करना है तो ऑल्ट के साथ डी से डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिलीट करने के लिए आपको उसी डिफाइन ऑप्शन के अंदर रहना होगा। ऑल्ट के साथ में डी से यहाँ डिलीट, डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक बार क्रिएट हो जाएगा तो आपको ये डिटेल्स डिफाइन करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। एस्केप से आप बैक आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप वापस से अपनी कंपनी पर आ जाओगे। जितनी भी एम्प्लॉय आपके पास हैं सभी की यहाँ से आपको सैलरी को डिफाइन करना है। आज की क्लास बस इतना ही, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पेरोल की जितनी भी क्लास है आपको सभी स्टेप बाय स्टेप देखनी है और उनको क्रिएट करते हुए चलना है सभी पेड़ को, तभी आज की क्लास कर पाएंगे। जैसा भी आपको समझ में आए कमेंट्स में जरूर डालें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।